नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ। देखिए, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। इसे बनाना बहुत ही आसान है और देखिए कितना खूबसूरत है। बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, चाहे जेंट्स स्वेटर में डालिए, लेडीज़ कार्डिगन में डालिए, बच्चों के स्वेटर में डालिए, कैप में डालिए, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसे डालेंगे ये बेहद खूबसूरत लगेगा। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 8 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 2 फंदा एक्स्ट्रा, तो डिज़ाइन अच्छी तरह सेट हो जाएगा। ऐसे 8-8 फंदे गिने तो लास्ट में 2 फंदा बचना चाहिए, तो डिज़ाइन अच्छी तरह सेट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था वैसे ही मैं इसे स्टार्ट कर रही हूँ। आप इसे पहली लाइन समझें, यानी ऐसे ही आपको स्टार्ट करना है। बॉर्डर बनाने के बाद पहली लाइन में सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। डिज़ाइन के पहली लाइन में सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। डिज़ाइन बहुत ही आसान है और बेहद खूबसूरत। बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकता है और आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगे ये सब में बहुत ही अच्छा लगेगा। बच्चों के प्रोजेक्ट में भी ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो पहली लाइन में मैंने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और दूसरी लाइन में भी सभी फंदों को उल्टा ही बुनेंगे। पहली लाइन में भी सभी फंदे उल्टे और दूसरी लाइन में भी सभी फंदे उल्टे। तीसरी लाइन और सामने से, तो ये लाइन इम्पोर्टेंट लाइन है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। पहले दूसरे फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, फिर 6 फंदों को सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे। एक बार लपेटा, एक बार और लपेटा, 2 बार लपेट के हम सीधा बुनेंगे। 2 हुआ, 3, 4, 5, 6। तो इन्हीं 8 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। एक डिज़ाइन ये हो गया, अब यहाँ से दूसरा डिज़ाइन स्टार्ट हो रहा है। तो 2 फंदों को हम स्लिप कर लेंगे और फिर 6 फंदों को सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे दूसरा डिज़ाइन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट 2 फंदों को हम स्लिप करेंगे, 6 फंदों को सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे। लास्ट में 2 फंदा बचेगा तो इसे हम स्लिप कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये डिज़ाइन का 4th लाइन है। तो स्लिप किए हुए दोनों फंदों को स्लिप कर लेंगे। अब ये 6 फंदे जिसे हमने लपेटा था उसे हम खोल लेंगे। अब इन्हें 2 हिस्से में करेंगे, 3-3 फंदों को हम 2 हिस्से में करेंगे। पहले के 3 फंदों को हम ऐसे इसमें सिलाई डालेंगे और उठा लेंगे और इसके अंदर से, देखिए ऐसे करके हम बाद के 3 फंदों को हम इसके अंदर से ऐसे निकालेंगे। देखिए, अब इन्हें हम बाएं सिलाई में चढ़ा लेंगे और एक एक करके हम 6 फंदों को उल्टा बुन लेंगे। अब यहाँ पे हमारा एक डिज़ाइन कंप्लीट होता है। 6 फंदा ये लपेटे हुए फंदे और 2 फंदा ये 8 फंदे हो गए। इन्हीं 8 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। अब देखिए, यहाँ से नेक्स्ट डिज़ाइन शुरू होता है। स्लिप किए हुए दोनों फंदों को वापस स्लिप कर लेंगे, लपेटे हुए 6 फंदों को हम खोलेंगे, 3-3 फंदे को 2 हिस्से में करेंगे। पहले वाले 3 फंदों को ऐसे उठाएंगे और इसके अंदर से हम बाद वाले 3 फंदों को निकाल लेंगे। देखिए, इसके अंदर से हमें निकालना है, फिर इसे हम बाएं सिलाई में चढ़ा देंगे और 6 फंदों को उल्टा बुन लेंगे।
यहाँ पे हमारा दूसरा डिज़ाइन कंप्लीट होता है। फिर इन्हीं 8 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। लास्ट के 2 स्लिप किए हुए फंदे, इन्हें हम वापस स्लिप कर लेंगे। तो हमारा इस तरह चौथा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये हमारे डिज़ाइन का 5वां लाइन है। तो 5वीं लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। 5वीं लाइन में मैंने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये डिज़ाइन का 6ठा लाइन है। तो 6ठी लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा ही बुन लेंगे। 5वीं लाइन में भी सभी फंदे उल्टे और 6ठी लाइन में भी सभी फंदे उल्टे बुन लिए जाएंगे। 7वीं लाइन और सामने से 4 फंदों को हम सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे। 1, 2, 3, 4। फिर 2 फंदों को हम स्लिप करेंगे। देखिए 4 फंदों के बाद, यानी 4 लपेटे हुए फंदों के बाद फिर हमारा 8 फंदों का ये पैटर्न स्टार्ट हो जाता है। 2 फंदों को हमने स्लिप कर लिया। अब फिर 6 फंदों को हमें सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनना है। अब देखिए ये जो 2 फंदे हमने स्लिप किए थे, तो ये 2 फंदे डिज़ाइन के तीसरे और चौथे फंदे होंगे। 2 फंदा हमने ये देखिए जो स्लिप किया है, वो डिज़ाइन का तीसरा और चौथा फंदा है। ये जो हम देखिए ये डिज़ाइन है 6 फंदों का। 2 फंदा हमने स्टार्टिंग में स्लिप किया था, तो ये 2 फंदा और 2 फंदा इस डिज़ाइन से। देखिए 4 फंदों को हमने सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुना है। फिर बीच के तीसरे और चौथे फंदे को हमने स्लिप किया है। अब 5वां और 6ठा फंदा दूसरे डिज़ाइन में आ जा रहा है। देखिए ये स्लिप किया हुआ फंदा, ये तीसरा और चौथा फंदा होगा। तो 6 फंदों को हम सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे। देखिए स्लिप किया हुआ फंदा ये डिज़ाइन का तीसरा और चौथा फंदा है और 2 फंदा इस डिज़ाइन से। तो ये हो गए 6 फंदे। अब देखिए 2 फंदा हमने ले लिया, बीच वाले जो 2 फंदे हैं उन्हें हम स्लिप कर लेंगे। अब की डिज़ाइन इन 2 डिज़ाइनों के बीच में बनेगा। तो 2 फंदा हमने स्लिप कर लिया, इस डिज़ाइन का 2 फंदा, 2 स्लिप किया हुआ फंदा और दूसरे डिज़ाइन का 2 फंदा। ये 6 फंदे हमें सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनना है। अब देखिए इस डिज़ाइन से 2 फंदा हमने लपेट के सीधा बुना है और बीच के 2 फंदे तीसरे और चौथे को हम स्लिप कर लेंगे। अब फिर लास्ट के 2 फंदे यानी 5वां और 6ठा, अब ये दूसरे डिज़ाइन में आ जाएगा। ये स्लिप किया हुआ फंदा, 2 फंदा इस डिज़ाइन से, 2 फंदा इस डिज़ाइन से। इन 6 फंदों को हम सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे। 2 फंदा स्लिप करेंगे। अब लास्ट में 4 फंदा बचेगा। शुरू में भी हमने 4 फंदे को लपेटा था और लास्ट में भी 4 ही फंदे बचेंगे जिन्हें हम सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह हमारा 7वां लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में। लपेटे हुए 4 फंदों को हम खोलेंगे और इन्हें हम 2 हिस्से में करेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब 4 फंदे रहेंगे तो 2 हिस्से में पहले में 3 रहेगा और दूसरे हिस्से में सिर्फ 1 फंदा। अब इन 3 फंदों को के अंदर से हम इस चौथे फंदे को निकालेंगे और इन चारों को हम उल्टा बुनेंगे। फिर स्लिप किया हुआ 2 फंदा इसे स्लिप कर लेंगे। अब 6 लपेटे हुए फंदे इन्हें हम खोलेंगे। 6 फंदों को खोल लिया, 2 हिस्से में इसे करेंगे। 3-3 फंदों को 2 हिस्से में करेंगे। पहले वाले 3 फंदे को उठाएंगे और इसके अंदर से दूसरे वाले 3 फंदों को निकाल लेंगे।
अब इन 6 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। तो 4 फंदे को छोड़ के इन्हीं 8 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। फिर नेक्स्ट डिज़ाइन 2 फंदा स्लिप करेंगे, 6 लपेटे हुए फंदों को खोलेंगे, इन्हें 2 हिस्से में करेंगे, पहले 3 वाले को उठाएंगे और इसके अंदर से बाद वाले 3 फंदे को निकाल लेंगे। फिर 22 लाइन में इसे चढ़ा देंगे और 6 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। इन्हीं 8 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। डिज़ाइन चूँकि खोलने वाला है तो जल्दी जल्दी बन के ये तैयार होता है। डिज़ाइन बनाने में जितना आसान है, देखने में उतना ही खूबसूरत। आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में बनाएंगे, चाहे बच्चों के प्रोजेक्ट में भी बनाएंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा। देखिए लास्ट में भी 4 फंदे बचे हैं, तो इन्हें 2 हिस्से में करेंगे। एक हिस्से में 3 फंदा रहेगा जिसके अंदर से हम अपना सिंगल ये फंदा जो है उसे निकाल लेंगे। फिर चारों को हम उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, 8 लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो देखिए फ्रेंड, 8 फंदों का और 8 लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा डिज़ाइन आपके सामने है। आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।